हेलो क्लास, आई एम उज्ज्वल सर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस क्लास में, जो कि है बच्चों फिजिक्स 12th एनसीईआरटी। और चैप्टर चल रहा है हमारा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। उस चैप्टर के किस अनुभाग में है बच्चों? हम लोग 11.6 के अनुभाग में है, जिसका नाम है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण और विकिरण का ऊर्जा क्वांटम। आइंस्टाइन ने बच्चों प्रकाश विद्युत समीकरण दिया था और उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि जो विकिरण होगा, जो प्रकाश का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना, वो क्वांटम के आधार पे होगा, ऊर्जा क्वांटम के आधार पे होगा। ठीक है ना बच्चों, ऊर्जा क्वांटम के आधार पे होगा। ओके, किसके आधार पे होगा? ऊर्जा क्वांटम के आधार पे होगा, ठीक है ना। अभी देखते हैं ऊर्जा क्वांटम के आधार पे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना, से संबंधित, ठीक है, से संबंधित, ठीक है बच्चों, से संबंधित प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित, ठीक है, संबंधित मौलिक विचार का, ठीक है, मौलिक विचार का नया चित्रण किया, ठीक है, नया चित्रण किया, ठीक है, क्या कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना थी बच्चों, वह किससे संबंधित थी? विद्युत चुंबकीय विकिरण से, ठीक है ना। तो उससे संबंधित मौलिक विचार का, जो मूल विचार आए थे, उसका एक नया चित्रण किया, नए रूप में चित्रण किया, ठीक है, का विचार जो है वह नए रूप में चित्रित किया, ठीक है ना, नए रूप में, है ना, चित्रित किया, ठीक है, नए रूप में उन्होंने चित्रित किया उसको, ठीक है, नए रूप में उन्होंने क्या किया, इसको चित्रित किया, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना से संबंधित, ठीक है, जो विचार थे पहले, वह विचार क्या थे कि बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है वह, ठीक है, वह प्रकाश की, है ना, प्रकाश की कण प्रकृति, प्रकाश की कण प्रकृति से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का व्याख्या किया जाता है, बच्चों, आया नहीं है, इससे व्याख्या किया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का, आया नहीं है। तो इससे संबंधित, ठीक है, इससे संबंधित, ठीक है, प्रेक्षण, इससे संबंधित जो प्रेक्षण थे बच्चों, उस प्रेक्षण संबंधित प्रेक्षण को नए तरीके से परिभाषित किया, ठीक है, नए तरीके से उन्होंने बच्चों इसको परिभाषित किया, ठीक है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित जो प्रेक्षण था, उसको उन्होंने क्या किया, नए तरीके से परिभाषित किया, ठीक है ना, एक नए तरीके से परिभाषा दिया उसका, ठीक है, ओके। ये कब दिया, ठीक है, इसका प्रतिपादन आइंस्टाइन ने कब किया, 1905 ईस्वी में किया, ठीक है, 1905 ईस्वी में किया, ठीक है, 1905 ईस्वी में किया बच्चों, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना,
प्रकाश, विद्युत प्रभाव, ठीक है, की घटना, ठीक है, कि घटना जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, क्या कि घटना या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना, क्या संतत संतत ऊर्जा के रूप में न होकर यह विविध होता है। बच्चों क्या होता है, यह क्या होता है, विविध रूप में होता है, ठीक है, यह विविध होता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है बच्चों, वो संतत ऊर्जा के रूप में न होकर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जो है वह संतत ऊर्जा के रूप में न होकर बल्कि यह विविध होता है, यह विविध के रूप में होता है, ठीक है। दैट मीन्स है ना, इस प्रभाव को, इस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, इस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, इस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा विविध रूप में मिल प्राप्त होता है। ऊर्जा जो है वो किस रूप में प्राप्त होता है, विविध रूप में प्राप्त होता है। बोलिए हाँ या ना, किस रूप में प्राप्त होता है, विविध रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। यह विविध ऊर्जा, ठीक है, यह विविध ऊर्जा विकिरण, ठीक है, ऊर्जा का, विकिरण ऊर्जा का क्वांटा होता है। विकिरण ऊर्जा क्या होता है बच्चों, क्वांटा होता है, ठीक है, ओके बच्चों। ये जो विविध ऊर्जा है, जो विविध ऊर्जा मिलता है, ठीक है, ये जो बच्चों विविध ऊर्जा मिलता है, यह विविध ऊर्जा जो है यह विकिरण ऊर्जा का क्वांटा कहलाता है, ठीक है ना। दैट मीन्स विकिरित ऊर्जा जो होती है, ठीक है ना, ये जो विविध ऊर्जा है बच्चों, ये जो विविध मतलब ऊर्जा का जो पैकेट है वह ऊर्जा का क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है, है ना। ये जो बच्चों ऊर्जा का जो पैकेट है, जो ऊर्जा का बंडल है, जो विकिरण ऊर्जा है, वो किस रूप में होते हैं, विविध ऊर्जा के रूप में होते हैं, और वो क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। समझ में आ गया ना बात, रिलेट कर पा रहे हो ना बातों को, कि जो बच्चों जो विविध ऊर्जा के रूप में जो विकिरण ऊर्जा होती है, जो विकिरित ऊर्जा होती है, ठीक है ना, जो प्रकाश की ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है, यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, विविध ऊर्जा के रूप में, और यह विविध ऊर्जा क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों देखिए, अब यहां, ठीक है, यहां विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा क्वांटा है ना, यहां विकिरण ऊर्जा क्या होता है बच्चों, क्वांटा के रूप में होता है। तो विकिरण ऊर्जा क्वांटा से, ठीक है, धातु पदार्थ के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां विकिरण ऊर्जा क्वांटा से धातु पदार्थ के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अवशोषित कर ठीक है, अपने सतह से उत्सर्जित हो जाते हैं। अपने सतह से क्या हो जाते हैं, ये उत्सर्जित हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसी विकिरण ऊर्जा क्वांटा से धातु पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अवशोषित कर अपने सतह से क्या हो जाते हैं, ये उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है भाई। विकिरण ऊर्जा क्वांटा जो है वो है, विकिरण ऊर्जा जो क्वांटा के रूप में है, उससे धातु पदार्थ के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है।
विकिरण ऊर्जा क्वांटा से धातु पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर, ठीक है ना, ऊर्जा अवशोषित कर अपने सतह से क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बात समझने में, बोले यहां है ना, ये सब समझ में आती है आपको, बोले यहां है ना, ओके बच्चों, विकिरण ऊर्जा, ठीक है, विकिरण ऊर्जा के एक क्वांटा, एक है ना क्वांटा से धातु पृष्ठ के, धातु पृष्ठ के एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऊर्जा का पूर्ण रूप से अवशोषण कर, ऊर्जा का पूर्ण रूप से अवशोषण कर, पूर्ण रूप से अवशोषण कर, पूर्ण रूप से अवशोषण कर, ठीक है, विकिरण ऊर्जा के एक क्वांटा से। भाई विकिरण ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा है उसका क्वांटा होगा, प्रकाश ऊर्जा विविक्त रूप में है, ये विविक्त ऊर्जा क्या है बच्चों, क्वांटा। तो विकिरण ऊर्जा के एक क्वांटा से धातु पृष्ठ के एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का पूर्ण रूप से, उस क्वांटा के सारे ऊर्जा को पूर्ण रूप से अवशोषित कर, ठीक है, अवशोषित कर सतह से उत्सर्जित होते हैं, सतह से उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, यदि अवशोषण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, कार्यफलन ऊर्जा से, इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन ऊर्जा से अधिक होता है। समझ में आई है सारी बात, अधिक होता है, बोलो हाँ या ना। अगर बच्चों विकिरण ऊर्जा के एक क्वांटा से जो धातु के पृष्ठ है, वो भैया एक क्वांटा से कितने इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो क्वांटा से दो इलेक्ट्रॉन, तीन क्वांटा से तीन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बच्चों ये जो विकिरण ऊर्जा है, जो प्रकाश ऊर्जा का जो एक क्वांटा है, वो धातु पृष्ठ के कितने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को, और वो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करेगा, थोड़ा लेगा ऊर्जा, पूर्ण रूप से ले लेगा, पूर्ण रूप से अवशोषित करता है, अवशोषण कर सतह से उत्सर्जित होते हैं, और उत्सर्जित तभी होंगे जब यह अवशोषण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन ऊर्जा से क्या होगा, अधिक होगा, तभी उस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। बोलिए हाँ या ना बच्चों, बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल, अर्थात या फिर कहे तो अर्थात धातु सतह के इलेक्ट्रॉन द्वारा विकिरण ऊर्जा क्वांटा से ठीक है ना, विकिरण ऊर्जा क्वांटा से, ठीक है, अवशोषित ऊर्जा का अर्थात धातु सतह के इलेक्ट्रॉन द्वारा विकिरण ऊर्जा क्वांटा से अवशोषित ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का दो कार्य करता है। बच्चों ये जो धातु सतह के इलेक्ट्रॉन है, वो जो द्वारा जो विकिरण ऊर्जा क्वांटा से अवशोषित ऊर्जा है, सतह के इलेक्ट्रॉन द्वारा जो विकिरण ऊर्जा क्वांटा से जो अवशोषित ऊर्जा है, उस अवशोषित ऊर्जा का वो दो कार्य करता है। पहला कार्य क्या, कि धातु की पृष्ठ से ठीक है उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है
प्रयोग करता है। ठीक है, पहला प्रयोग क्या करता है, वो धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या करता है भैया, दूसरा कार्य क्या करता है कि धातु के पृष्ठ से ठीक है, धातु के पृष्ठ से है ना, उत्सर्जित होने के पश्चात ठीक है बच रहा ऊर्जा ठीक है, ऊर्जा अपने अधिकतम गतिज ऊर्जा को प्राप्त करने में करता है, अपने अधिकतम गतिज ऊर्जा को प्राप्त करने में करता है। ठीक है, प्रयोग करता है। ठीक है, दूसरा कार्य भी समझ में आ गया आपको, एकदम आ गया, बोलिए हाँ है ना, कि धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने के पश्चात बच रहा ऊर्जा अपने अधिकतम गति ऊर्जा को प्राप्त करने में प्रयोग करता है। इस तरह से दो प्रयोग होते हैं। ठीक है, विकिरण ऊर्जा क्वांटा से अवशोषित की गई ऊर्जा का, किसके द्वारा, धातु सतह के इलेक्ट्रॉन द्वारा है ना, धातु सतह के इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ये अवशोषित ऊर्जा है उसका दो प्रयोग करता है। कोई दिक्कत, देखिए थ्योरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे समझाता हूं, इसके बाद मैं आपको आगे लिए चलता हूं, आगे हमको अब क्या होगा, क्या मिलने वाला है। ठीक है, ओके, देखिएगा अभी, देखिएगा बच्चों अभी, देखिएगा आपको क्या मिलने वाला है, देखिएगा क्या मिलेगा अभी आपको, देखिएगा। ठीक है, अर्थात क्या कि भाई विकिरण ऊर्जा या आपतित विकिरण ऊर्जा बराबर होते हैं किसके, भाई कार्यफलन का ऊर्जा प्लस ठीक है अधिकतम गतिज ऊर्जा के, भाई ये एक तो गार्यफलन के रूप में ऊर्जा का प्रयोग हो जाता है और एक अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा और कार्यफलन का ऊर्जा दोनों को मिला दिए जाए तो किसके ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, आपतित विकिरण ऊर्जा के बराबर। बोलिए हाँ या ना, पक्का बोलो हाँ या ना भाई, अरे होगा या नहीं होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, होगा भाई। विकिरण विविक्त आपतित विकिरण ऊर्जा को तुम ई से मान लो, ई बराबर कार्यफलन का ऊर्जा कितना होगा तुम फाई नोट मान लो, प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा कितना होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यही संकेत होगा। बोलिए हाँ है ना, यहां लिख सकते हैं या, तो ई बराबर हो जो क्या हो जाएगा, ई बराबर में फाई नोट प्लस के ई मैक्सिमम, तो यहां से के ई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, के ई मैक्सिमम बराबर ठीक है क्या ई और माइनस फाई नोट, भाई ये फाई नोट इधर चला जाएगा, बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, दिस इज माय कौन सा समीकरण, फर्स्ट समीकरण। बच्चों ये क्या है, आपतित विकिरण ऊर्जा, ठीक है ना, तो यहां पे लिखोगे क्या कि आपतित धातु की पृष्ठ पर, आपतित धातु की सतह पर आपतित है ना, धातु की सतह पर आपतित विकिरण ऊर्जा
विकिरण ऊर्जा, ठीक है ना, धातु की सतह पर आपतित विकिरण ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा क्वांटा के, ऊर्जा जो है वह क्वांटा के आवृत्ति पर, ठीक है, क्वांटा के आवृत्ति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। बोलिए हाँ या ना, होगा, बोलो, आवृत्ति पर निर्भर करता है, अर्थात अर्थात ठीक है, आपतित आपतित विकिरण ऊर्जा क्वांटा, विकिरण ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा एक क्वांटा का, विकिरण ऊर्जा एक क्वांटा का, एक क्वांटा का, ठीक है ना, एक क्वांटा का, ठीक है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक एवं, ठीक है, उस क्वांटा के, उस क्वांटा के आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है, आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना, आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है, होता है नहीं होता है। तो दैट मीन्स बच्चों, यहां जो आपतित विकिरण ऊर्जा है वह, यहां जो आपतित विकिरण ऊर्जा है बच्चों, वह कितना हो जाएगा, प्लांक नियतांक और उसकी आवृत्ति मान लो न्यू है, तो एच न्यू माइनस फाई नोट। बोलो, और बच्चों अब जो यह समीकरण आपको प्राप्त हुआ है, अब जो आपको यह समीकरण प्राप्त हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट आइंस्टाइन का, ठीक है, समीकरण फर्स्ट आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण कहलाता है, का क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है, ठीक है। और जो ये जो समीकरण और फर्स्ट दिख रहा है आपको, यही क्या कहलाता है, समीकरण फर्स्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण कहलाता है। बोलो हाँ या ना, क्या समझ में आई यह बात, यहां तक क्या ये सारे थ्योरी आपको समझ में आ गए, बताओ, बोलो बोलो, क्या बोलो, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो, बोलो हाँ या ना, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई साहब, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, यहां पर, यहां पर तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, तो आगे बढ़िए। चलिए देखिए, चल देखिए भैया, देखिए क्या क्या कि भैया, धातु धातु की पृष्ठ से, ठीक है, धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उत्सर्जन तभी संभव होता है, तभी संभव होता है, ठीक है, तभी संभव होता है जब जब फाइनोट जो है, यह भी एक ऊर्जा है ना बच्चों, यह फाइनोट का ऊर्जा जो है वो किस आवृत्ति पर उत्पन्न होगा, हमने माना न्यूनोट आवृत्ति पर। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी संभव होता है जब जब आपतित, ठीक है, आपतित
आपतित, ठीक है ना, आपतित, ठीक है, विकिरण ऊर्जा, आपतित विकिरण ऊर्जा, ठीक है, विकिरण ऊर्जा, ठीक है, आपतित विकिरण ऊर्जा, ई ग्रेटर देन फाई नोट होता है, बोलो हाँ या ना, होता है। और अगर ऐसा होता है तो फाइनल प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, एच गुना में न्यू नोट, ऐसा मान लो, बोलो हाँ या ना, ये फर्स्ट समीकरण है आपका, ये कौन सा समीकरण, सेकंड समीकरण, बोलो बच्चों। तो ऐसा करने से आपके यहां क्या हो जाएंगे, के ई मैक्सिमम बराबर हो जाएंगे किसके, एच न्यू माइनस फाइनल बराबर क्या लिखोगे, एच न्यू नोट। भाई ये तो ऊर्जा है ना, कार्यफलन भी ऊर्जा है, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, प्लांक नियतांक और गुना में आवृत्ति। तो भाई यह जो है, यह जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है उसके लिए न्यूनतम आवृत्ति कितनी होगी, न्यू नोट, यह न्यूनतम आवृत्ति है जिसको हम लोग कौन सा आवृत्ति कहते हैं बच्चों, देहली आवृत्ति, ठीक है। तो यह देहली आवृत्ति और प्लांक नियतांक गुणनफल होकर के क्या देगा, कार्यफलन। तो दैट मीन्स फाइनल नोट किसके बराबर हो जाएगा, एच गुना में न्यू नोट के, बोलो हाँ ना। बोलो तो दोनों के पास एच है तो क्या लिखोगे, न्यू माइनस न्यू नोट, यही लिखोगे। और यहां पे क्या लिखोगे, के मैक्सिमम लिखोगे या नहीं लिखोगे, तो बच्चों इस तरह से आपको समीकरण प्राप्त होंगे ये, बोलो हाँ या ना। ये भी बच्चों हमारा आइंस्टीन का समीकरण ही कहलाता है, आइंस्टीन का प्रकाश दूत समीकरण ही कहलाता है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपको, यहां तक आपको जो है बच्चों वह कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। अब समझिएगा बच्चों क्या, कि प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, ठीक है, क्या विकिरण ऊर्जा, विकिरण, विकिरण ऊर्जा, ठीक है, विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा क्वांटम, विकिरण ऊर्जा क्वांटम की प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड, ठीक है, संख्या, विकिरण ऊर्जा क्वांटम संख्या की प्रति सेकेंड में, क्वांटम संख्या की, ठीक है, क्वांटम संख्या की प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड में वृद्धि होती है, प्रति सेकेंड में क्या हो जाती है भैया, वृद्धि होती है। समझना, समझाता हूं भाई, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा कि प्रति सेकेंड, भाई तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा कि प्रति सेकेंड, भाई प्रति सेकेंड जो संख्या है किसकी, भाई ऊर्जा क्वांटम की, जी ये जो ऊर्जा क्वांटम है, ये जो ऊर्जा के कण है, ये जो क्वांटम का मतलब क्या बच्चों, यहां पर क्वांटा छोटे कण, तो बच्चों जो ऊर्जा क्वांटा है वो प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर हम लोग किसको बढ़ाते हैं, तीव्रता को, बोलिए हाँ या ना, पक्का बोलो, अर्थात, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा है ना, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा में वृद्धि होता है, प्रकाश विद्युत धारा में वृद्धि होता है, ठीक है ना, इस प्रकाश विद्युत धारा में वृद्धि होता है बच्चों, है ना, और ठीक है, और उत्सर्जित, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह सब बात कौन कह रहे हैं, आइंस्टीन। और हमें देखने कोई मिल रहा भैया कि तीव्रता बढ़ाने से प्रति सेकेंड जो है वह किसका संख्या बढ़ेगा, ऊर्जा क्वांटम का संख्या बढ़ेगा, ऊर्जा क्वांटम का संख्या बढ़ेगा, यानी ऊर्जा क्वांटम का संख्या, प्रति सेकेंड का जो संख्या है वह क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, क्या बढ़ाने से, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से, बोलो बोलो हाँ या ना। यही बात हम लोग प्रकाश दो प्रभाव वाले प्रयोग में, प्रायोगिक प्रयोग में देख रहे थे,
प्रायोगिक अध्ययन में देख रहे थे। बोलो है ना भाई, यहां पर हम कह रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए आइंस्टीन भी कह रहे हैं कि संतत ऊर्जा ना लेकर के बल्कि हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है ना इस प्रभाव को देख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का मतलब है कि भैया विकिरण ऊर्जा के रूप में होगा, और विकिरण ऊर्जा किसके रूप में होगा, क्वांटा के रूप में होगा, है ना। और ये क्वांटा क्या है बच्चों, एक ऊर्जा का पैकेट है, तो एक एक ऊर्जा के पैकेट से बना होगा ये, बोलिए है ना। तो दैट मीन्स जैसे आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ने लगता है, प्रति सेकेंड क्वांटम संख्या बढ़ने लगते हैं ना भाई, क्वांटम संख्या, क्वांटा संख्या बढ़ने लगता है, ऊर्जा क्वांटा संख्या बढ़ने लगता है, बोलो है ना। तो क्वांटा संख्या बढ़ता है, अरे क्वांटा का संख्या बढ़ता है, कण की संख्या बढ़ती है, और कण की संख्या बढ़ी तो दैट मीन्स की धारा, जो धारा में वृद्धि होता है, न कि इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए हैं उसके ऊर्जा में कोई वृद्धि होता है। सीधा गति ऊर्जा के बदले बच्चों सीधा ऊर्जा भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बोलिए हाँ या ना। ये बात आइंस्टीन साहब भी जोर देके कह रहे हैं, ठीक है, और ये हमें भी पता चलता है। कोई दिक्कत बच्चों, समस्या आप मुझे बताइएगा अगर आपको समस्या हो तो, ठीक है, मैं मानता हूं आपको समस्या आ सकती है, ठीक है, इस सिंपल सिंपल बातों को समझने में, क्योंकि आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, तो फिर भी लेकिन अगर आपको समस्या आए ना तो प्लीज मुझे बताइएगा, है ना, बताइएगा जरूर, ओके। चलिए ठीक है बच्चों, बच्चों ये समीकरण नंबर दो क्या प्राप्त हुआ था, समीकरण नंबर दो, ठीक है, यही समीकरण नंबर दो क्या कहलाया था, आइंस्टीन, ठीक है ना भाई, आइंस्टाइन है ना, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत, ठीक है, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश विद्युत, ठीक है ना, आइंस्टाइन का भैया प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन से, प्रायोगिक अध्ययन, ठीक है, प्रायोगिक अध्ययन से प्राप्त, ठीक है, प्राप्त निष्कर्ष, ठीक है, प्राप्त निष्कर्ष, ठीक है ना, प्राप्त बच्चों जो प्राप्त निष्कर्ष है, ठीक है ना, जो प्राप्त हमारे निष्कर्ष हैं, ठीक है, जो प्राप्त हमारे क्या हैं, निष्कर्ष है भाई, तू निष्कर्ष देख लेना भाई, कैसा लिखेंगे यार, कैसा लिखेंगे, प्राप्त, ठीक है ना, निष्कर्ष, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार आप, है ना, देख लीजिएगा, अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष, ठीक है, या फिर प्राप्त, हाँ प्राप्त निष्कर्ष को प्राप्त है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को, ठीक है, परिभाषित किया गया, ठीक है, परिभाषित, परिभाषित, परिभाषित या व्याख्या किया गया, ठीक है, व्याख्या किया गया, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, प्रकाश विद्युत समीकरण से उन्होंने जो प्रायोगिक अध्ययन से प्राप्त जो निष्कर्ष था उसको उन्होंने व्याख्या कर दिया, ठीक है ना, उसको उन्होंने समझा दिया, अपने समीकरण से समझा दिया, है ना, निष्कर्ष को परिभाषित कर दिया, व्याख्या कर दिया, या फिर प्राप्त निष्कर्ष को समझा दिया, ठीक है, समझा दिया, है ना, समझा दिया, ठीक है, कैसे समझाया वो देखो, कैसे समझाया वो देखो भाई, पहला बात उन्होंने कहा कि, ठीक है, आइंस्टाइन समीकरण से, मैं सीधा लिख रहा हूं समीकरण, है ना, प्रकाश, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण, समीकरण से कौन सा समीकरण था बच्चों, के ई मैक्सिमम, बोलो हाँ या ना, के ई मैक्सिमम बराबर में एच न्यू माइनस न्यू नोट, यही है या नहीं है, अरे बोलो यही है या नहीं है, यही है ना। तो बच्चों समीकरण से, समीकरण से हमें, है ना, हमें ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वह बच्चों ये नियतांक है, दैट मीन्स मैक्सिमम, ये नियतांक उठा के फेंकोगे तो क्या ले सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम समानुपाती होंगे किसके, न्यू माइनस न्यू नोट के, और ये भी कहे तो आवृत्ति है, ये भी आवृत्ति है,
तो भैया आवृत्ति का घटाव क्या होगा, आवृत्ति ही तो होगा ना। दैट मीन्स समीकरण समय ज्ञात होता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना आपतित आपतित ठीक है आपतित विकिरण आपतित विकिरण ठीक है आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर रैखिक रैखिक है ना रैखिक रूप से निर्भर करता है ठीक है निर्भर करता है रैखिक रूप से निर्भर करता है बच्चों, या फिर कहे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आवृत्ति के समानुपाती होता है। बोलो हाँ या ना, ये देखो समीकरण से भी पता लग गया भाई, समीकरण से भी यह पता लग रहा है। बोलो हाँ या ना, उन्होंने इस तरह से सिद्ध कर दिया ये बात। बोलो हाँ या ना, और उन्होंने कहा क्या कि भैया अर्थात अर्थात प्रकाश की तीव्रता तीव्रता बढ़ाने से ठीक है तीव्रता बढ़ाने से, यहां पर तीव्रता है ना, तीव्रता बढ़ाने से के ई मैक्सिमम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है, क्योंकि क्योंकि इस समीकरण से क्योंकि इस समीकरण से है ना इस समीकरण से के ई मैक्सिमम एवं तीव्रता का कोई संबंध व्यक्त नहीं होता है ना, तीव्रता का कोई संबंध व्यक्त नहीं होता है ठीक है ना, व्यक्त नहीं होता है। बोलो हाँ या ना, और बच्चों हम सबको पता है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या होती है, जो ऊर्जा क्वांटा का संख्या है वो प्रति सेकेंड बढ़ता है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल कोई दिक्कत। पहला निष्कर्ष उन्होंने समीकरण से समझा दिया बच्चों, चलो आ जाओ दूसरा आ जाओ, मिटा दिया जाए सबको। चलो अब आ जाओ दूसरे पॉइंट्स पर। उन्होंने अपने समीकरण से जो है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्राप्त निष्कर्ष था उसको उन्होंने समझा दिया, अपने समीकरण से उन्होंने सिद्ध किया इन बातों को जो है ना, उन्होंने वह निष्कर्ष को उन्होंने अपने समीकरण से ज्ञात करके दिखा दिया ठीक है, मिला करके दिखा दिया ठीक है ना, उन्होंने मिला करके दिखा दिया बच्चों ठीक है ना, उन्होंने क्या कर दिया, मिला करके दिखा दिया। अब देखिए यहां पर भाई, यहां देखिए, अब यहां देखिए बच्चों, भाई समीकरण लिख लीजिए पहले, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर में क्या है एच गुना में न्यू माइनस न्यू नोट, बोलिए हाँ है ना ओके। तो देखिए बच्चों अगर ये न्यू नोट ठीक है ना, समीकरण में यदि प्रकाश की बच्चों ये क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है ना, समीकरण में यदि प्रकाश की ना आपतित प्रकाश की अभी विकिरण की है ना, समीकरण में यदि विकिरण है ना विकिरण है ना, समीकरण में यदि विकिरण ठीक है विकिरण की, विकिरण का मतलब बच्चों आपतित प्रकाश की, विकिरण का मतलब क्या है यहां पर आपतित प्रकाश की ठीक है ना, आपतित प्रकाश की आपतित प्रकाश है ना है ना आपतित प्रकाश आपतित प्रकाश, समीकरण में यदि विकिरण की ठीक है ना आपतित प्रकाश की आवृत्ति आवृत्ति देहली आवृत्ति से आवृत्ति देहली आवृत्ति से ठीक है ना देहली आवृत्ति से कम हो, तो बच्चों अगर ये कम हो जाए देहली आवृत्ति से तो के मैक्सिमम क्या प्राप्त होगा आपको, माइनस में प्राप्त होगा। अगर ये यहां पर बच्चों न्यू नोट ज्यादा हो जाए किससे, न्यू से, मतलब देहली आवृत्ति जो है वो इस आवृत्ति से बड़ा हो जाए
मतलब जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से कम हो जाए, कम हो तो के मैक्सिमम का मान समीकरण से, के मैक्सिमम का मान समीकरण से ऋणात्मक प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? ऋणात्मक प्राप्त होता है या नहीं है? ऋणात्मक प्राप्त होता है, बोलो हाँ या ना। जो कि है ना, जो कि असत्यता है ना, सत्यता को व्यक्त करता है। क्यों व्यक्त करता है भैया? क्यों करता है? क्योंकि बच्चों गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम राशि अदिश है। कैसा है? अदिश है। इसलिए ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसीलिए इसका ऋणात्मक मान नहीं चलेगा। ऋणात्मक मान का ठीक है प्राप्त होना संभव नहीं है, सही नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत? पर गति ऊर्जा का मान जो है ना ऋणात्मक प्राप्त हो, भाई इतना आवृत्ति का प्रकाश डाले कि उसके जो फोटोन थे, जो क्वांटा थे, वो क्या हो गए? ऋणात्मक ऊर्जा के है ना बाहर निकले। बोलिए हाँ है ना। तो ऐसा संभव ही नहीं है, कोई दिक्कत। दैट मीन्स अर्थात जो हमारे पास एच न्यू है बच्चों, वो ग्रेटर होंगे किसके? एच न्यू नोट के। मतलब क्या है? तो न्यू ग्रेटर होना चाहिए किसके? न्यू नोट के। और ऐसा होगा तभी बच्चों आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से, ये क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति है ना, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, या फिर विकिरण की है ना, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, या फिर कहे तो विकिरण की आवृत्ति। और ये क्या है बच्चों? है ना देहली आवृत्ति। और ये देहली आवृत्ति क्या होती है बच्चों? ये पदार्थ पर निर्भर करती है ना, पदार्थ पर निर्भर करती है देहली आवृत्ति है ना। तो देहली आवृत्ति है। तो अब इसी भाई इस समीकरण से ही पता लग रहा है कि अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट होगा तभी ठीक है ना, धातु पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है, या फिर उत्सर्जन क्या है? संभव है। बोलो हाँ है ना। तो ये था कौन सा बच्चों? सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ भाई। मिटा दिए जाए। चलो ठीक है, मिटा देते हैं भाई साहब। देखिए बच्चों, इस तीसरे को हम लोग यहां पर दिखाते हैं, इस तीसरे समीकरण को हम लोग यहां दिखाते हैं, और क्या कहते हैं वो देखिए। क्या कि प्रकाश की है ना, या फिर विकिरण की। प्रकाश का मतलब यहां पर है आपतित प्रकाश। कौन सा प्रकाश? आपतित प्रकाश। और आपतित प्रकाश कहने का मतलब है विकिरण है ना, विकिरण है ना, जो विकिरित प्रकाश है ना, जो आपतित प्रकाश है। आपतित प्रकाश की तीव्रता ठीक है बढ़ाया जाए तब है ना, प्रति सेकेंड प्रति क्षेत्रफल ठीक है, क्या क्वांटा की संख्या में ठीक है वृद्धि होता है। बोलो हाँ है ना। क्वांटा की संख्या में क्या होता है? वृद्धि होता है ना। अर्थात आपतित फोटोन है ना, अर्थात आपतित फोटोन की संख्या में वृद्धि होती है। आपतित फोटोन है ना, फोटोन की
संख्या में वृद्धि होती है ना, संख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है ना, जिससे जिससे ठीक है क्या, जिससे प्रति इलेक्ट्रॉन, प्रति इलेक्ट्रॉन है ना, जिससे धातु, धातु पदार्थ के, धातु पदार्थ के ठीक है प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड प्रति क्षेत्रफल, प्रति सेकेंड प्रति क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में ठीक है अवशोषण, अवशोषण इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है ठीक है, वृद्धि होती है। बोलो हाँ ना, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि करोगे तो तीव्रता में वृद्धि करोगे, तो तीव्रता में वृद्धि करने से क्या होगा कि इसका मतलब है कि प्रति क्षेत्रफल प्रति सेकेंड आपतित फोटोन की संख्या में वृद्धि की गई। बोलो हाँ ना, और अगर आपतित फोटोन की संख्या में वृद्धि की गई तो दैट मीन्स भाई एक फोटोन कितने कितने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा कितने के बराबर, तो उस फोटोन की आवृत्ति और प्लांक नियतांक के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो अब अगर फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो प्रति क्षेत्रफल प्रति सेकेंड किसकी संख्या बढ़ेगी है ना, अवशोषण इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, तब ठीक है, तब ठीक है धातु, तब धातु पदार्थ से ठीक है, तब धातु पदार्थ से ठीक है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है ना, या फिर उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन है ना, उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है ठीक है, वृद्धि होती है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि आपतित प्रकाश की आपतित है ना, अर्थात अर्थात प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा है ना, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, तीव्रता के समानुपाती होता है। बोलो हाँ या ना, यह बात समझ में आई बच्चों? बिल्कुल, यह बात आइंस्टीन ने कहा भाई एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण, अगर फोटोन की संख्या में वृद्धि तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि तो प्रकाश विद्युत धारा में वृद्धि, और प्रकाश इसका मतलब हुआ कि प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती होता है किसके, आपतित प्रकाश की तीव्रता के। बोलो आया ना, क्या ये बात सब समझ में आ गई आपको? तो बच्चों ये था न्यूटन का तीसरा पॉइंट, कोई दिक्कत? अब आ जाओ चौथे पॉइंट में। भाई क्या कहा था आइंस्टीन ने, क्या दिया था उन्होंने कहा था कि भैया ठीक है आपतित, आपतित ठीक है आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की या विकिरण की ठीक है ना, क्वांटा, क्वांटा ठीक है, क्वांटा किसी किसी एक इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन से ठीक है ऊर्जा का ठीक है ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन ठीक है उत्सर्जन या स्थानांतरण करता है ठीक है, स्थानांतरण करता है बच्चों, स्थानांतरण करता है ठीक है करता है, और यह यह ऊर्जा का, यह ऊर्जा का ठीक है यह ऊर्जा का स्थानांतरण ठीक है ना, यह ऊर्जा का स्थानांतरण ठीक है ताक्षणिक होता है, क्या होता है बच्चों ताक्षणिक होता है, उन्होंने क्या कहा था कि तत्काल ही हो जाएगा भाई, एक फोटोन जाके एक ही इलेक्ट्रॉन से मिलना है इसको, तो गया और मिला, ताक्षणिक होता है भाई, ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है ताक्षणिक, तत्क्षण हो जाता है, गया फोटोन टकराया, टकराया उसका पूरा जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना ऊर्जा का क्या कर लिया अवशोषण ठीक है ओके।
ऊर्जा का स्थानांतरण तात्क्षणिक होता है और यह एक प्राथमिक क्रिया होती है। ठीक है ना, किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में। बोलो हाँ या ना। अर्थात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बिना काल पश्चता का प्रारंभ हो जाता है, बिना काल पश्चता के प्रारंभ हो जाता है। बोलो हाँ या ना। अब सुनो, यहां पे एक लाइन और लिख सकते हो, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई गई तो फोटोन की संख्या वृद्धि होगी तो उतने इलेक्ट्रॉन से मिलाप में वृद्धि हो जाएगा। एक फोटोन की संख्या बढ़ी, लेकिन एक एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन से जाके मिलेगा और उस समय पर भी जो इलेक्ट्रॉन से मिलाप है, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो फोटोन से ऊर्जा का अवशोषण है वो क्या होगा, तात्क्षणिक होगा और सभी फोटोन का इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा, प्राथमिक कार्य होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में भी तीव्रता बढ़ने पर भी भैया कालपश्चता नहीं होगी, और कम तीव्रता का प्रकाश डालेंगे तो कम फोटोन उत्सर्जित होंगे आपतित प्रकाश से, तो वो कम इलेक्ट्रॉन से जो है ना अपना ऊर्जा का ट्रांसफर करेगा, ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा। कम इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन से ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, लेकिन वो भी कैसा होगा, प्राथमिक कार्य होगा और तात्क्षणिक होगा। दैट मीन्स कोई कालपश्चता नहीं होती है। यह बात आइंस्टाइन ने पूरे 4 पॉइंट्स में समझा दिया था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, अब कुछ और बात भी कर लिया जाए। आइंस्टीन साहब ने कुछ और भी समझाया था, उम्मीद करते हैं 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी। और उन्होंने उनका जो है ना ये 4 पॉइंट्स कैसे जुड़ा हुआ था उनके समीकरण से, यह बात आप समझ पा रहे हैं। बाद में जो 2 पॉइंट्स कहा था बच्चों, वो तो बिल्कुल वो अपने ऊपर के तथ्यों के आधार पर कहा था, और ऊपर के जो 2 पॉइंट्स थे उसको उन्होंने समीकरण से कहा था। ठीक है, जो हमने बच्चों सबसे प्राथमिक टाइम पर जो हमने थ्योरी स्टार्ट की थी उस थ्योरी के आधार पर 2 पॉइंट्स कहा था उन्होंने, आया नहीं है। और जो पहला 2 पॉइंट्स कहा था उन्होंने वो समीकरण के आधार पर कहा था, कोई दिक्कत। तो बच्चों उन्होंने अपने समीकरण के आधार पर ठीक है यह बात को समझा दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखिएगा क्या अभी तक जो हमें प्राप्त हुआ बच्चों, वो प्राप्त हुआ है के मैक्सिमम बराबर में एच गुना में न्यू माइनस न्यू नोट, यही प्राप्त हुआ है। बोलिए हाँ या ना। या फिर बच्चों इस समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहां पर एच न्यू और माइनस में एच न्यू नोट। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत। एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, एच न्यू माइनस, बच्चों ये एच न्यू नोट क्या है, यही तो फाइन नोट है। बोलिए हाँ या ना, पक्का। अब बच्चों आप सबको पता है क्या कि आपतित प्रकाश या विकिरण फोटोन से ऊर्जा अवशोषण कर जो इलेक्ट्रॉन अपने धातु की सतह से ठीक है उत्सर्जित होते हैं उन्हें निरोधी विभव भीनोट का प्रयोग कर प्रकाश विद्युत धारा के निर्माण से रोका जा सकता है। बोलिए हाँ या ना, रोका जा सकता है। बोलिए हाँ या ना। बोलो बच्चों, ये जो निरोधी विभव है वो क्या है, निरोधी विभव वह
वह ऋणात्मक विभव है जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाते हैं, अधिकतम ऊर्जा ऊर्जा वाले। बच्चों देखना भाई, आइंस्टाइन के, किसके, आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, है ना, प्रकाश विद्युत समीकरण से, ठीक है, समीकरण से देखिएगा क्या कि बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो बराबर होगा किसके, एच न्यू माइनस फाइ नोट के, यानी एच न्यू माइनस फाइ नोट के होगा। बच्चों आप क्या कर रहे हैं यहां पर कि एच न्यू माइनस फाइ नोट है ना, तो आप क्या कर रहे हैं कि प्रकाश की तीव्रता आप चाहे, सॉरी प्रकाश की आवृत्ति आप चाहे कुछ भी बढ़ा लो, हम लोग इतना विभव लगा रहे हैं, इतना विभव लगा रहे हैं कि अधिकतम गतिविधि वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भी क्या कर दिया जाए भाई, चलने से रोक दिया जाए, चलने से क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, बोलो हाँ या ना, चलने से क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो बच्चों ये रोकने के लिए, इस काइनेटिक मैक्सिमम को रोकने के लिए हम लोग, है ना, जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उत्पन्न कर रहे हैं वो कितना उत्पन्न कर रहे हैं, वो उत्पन्न कर रहे हैं हम लोग E के बराबर, और वो E के बराबर जो उत्पन्न कर रहे हैं वो किसके बराबर है, E गुना में वी नोट के बराबर, बोलो हाँ या ना, यही है। तो अब अगर बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह अगर आप E वी नोट प्रयोग करते हो, ये E वी नोट प्रयोग करते हो, बोलो हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा यहां से, E वी नोट बराबर एच न्यू माइनस फाइ नोट, बोलो हाँ या ना। अब बच्चों अगर इस E को इधर लेके चला जाओ तो यहां से समीकरण क्या प्राप्त होगा तुम्हारा, क्या प्राप्त होगा, तो होगा वी नोट बराबर में एच बटा में ई गुना में न्यू और माइनस फाइ नोट और बटा में ई, बोलो हाँ ना, ये समीकरण प्राप्त होंगे बच्चों। बोलो बच्चों ये ई नियतांक है, एच नियतांक है, फाइ नोट भी किसी दिए गए पृष्ठ का नियतांक होगा और ई तो नियतांक होगा, बोलो हाँ ना। तो बच्चों यहां पर जो बदलने वाली राशि वो क्या है, वी नोट और यहां पर न्यू। तो बच्चों इस समीकरण को देख करके, इसका नाम तीन चार पांच कुछ भी दे दो, है ना, जितना समीकरण अब तक आपका बन चुका है, और लिखेगा समीकरण पांच की प्रकृति सरल रेखीय समीकरण को व्यक्त करता है, ठीक है, समीकरण पांच जो है वो सरल रेखीय समीकरण y बराबर में एम एक्स प्लस सी के, सी है ना, के है ना तुल्य है, ठीक है, या फिर प्रकृति का है ना, के प्रकृति का है ना, प्रकृति का है। और अगर ऐसा है तो हम लोग लिखेंगे कि सरल रेखीय समीकरण से तुलना करने पर, भाई सरल रेखीय समीकरण से क्या है, तुलना करने पर तुम ही बताओ y बराबर में क्या आ जाएगा, वी नोट, बोलो है ना, m बराबर में क्या आ जाएगा, h बटा में e, और m क्या होता है बच्चों, ढाल, और c बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस फाइ नोट बटा में e। बच्चों ये c क्या होता है, y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु है या नहीं है, y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु। तो बच्चों अगर हम लोग इस y और x के बीच में ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये देखो, ये देखो भाई, y पर किसको रखें, वी नोट को, और x एक्सिस पर किसके रखो, आवृत्ति को, बोलो हाँ या ना, रखोगे, बिल्कुल। तो आप बताइए मुझे क्या दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है कि भाई अगर तुम आवृत्ति अपना, अगर आवृत्ति अपना बराबर कर दिए किसके, देहली आवृत्ति के, बोलो हाँ या ना, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, एच न्यू नोट, और फाइ नोट किसके बराबर था बच्चों, एच न्यू नोट के, बोलो हाँ या ना। तो यहां से गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो, बोलो हाँ या ना। और अगर गतिज ऊर्जा जीरो हो गई तो पता है आपको बच्चों गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ई वी नोट, बोलो हाँ या ना। और अगर गतिज ऊर्जा जीरो तो यहां से वी नोट बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो, बोलो हाँ या ना बच्चों। तो आपको आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर करना है, न्यू नोट के बराबर, तो उस आवृत्ति पे आपका जो वी नोट है वो कितना प्राप्त होता है, जीरो, मतलब आपका ग्राफ यहां से शुरू होगा। और बच्चों बोलो बच्चों, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या फिर कह ले हम लोग वी नोट
या तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या फिर कह ले वी नॉट, समानुपाती होता है किसके, प्रकाश की आवृत्ति के। तो दैट मींस ग्राफ कैसा बनेगा यहां से, सरल रेखीय बनेगा, बोलो हाँ या ना, पक्का। लेकिन बच्चों आपको पता है कि जब इस समीकरण को देखते हैं तो क्या पता चलता है कि अगर आपको बच्चों ये जो न्यू है वो न्यू नोट के बराबर में हो गया तो ये टर्म और ये टर्म आपस में घट जाएंगे और क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि फाइन नोट का वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगा बच्चों, एच न्यू नोट के बराबर यहां लिख सकते हैं। और आपने यहां पर आवृत्ति किसके बराबर कर दिया, प्रकाश से आपकी प्रकाश की आवृत्ति किसके बराबर कर दिया, न्यू नोट के बराबर। तो एच न्यू नोट बटा में ई माइनस एच न्यू नोट बटा में ई, दोनों घट के क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो वी नोट का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ आपको इस आवृत्ति पर, जीरो, बोलो हाँ या ना। और बच्चों यहां पर जो वी नोट है वो आवृत्ति के कैसे प्राप्त हो रहे हैं, ये समीकरण से क्या लगता है आपको, निरोधी विभव आवृत्ति के कैसे हैं, समानुपाती, तो समानुपाती रूप से बढ़ेंगे, बोलिए हाँ या ना, बढ़ेगा, ओके। फिर बच्चों ये क्या है, ये है वाई अक्ष पे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वाई अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु, कहां पर है, माइनस फाई नोट बटा ई। तो वाई अक्ष पर माइनस में बच्चों, दैट मीन्स इस रेखा को जब तुम भाई समानुपाती रूप से होगा ना, तो इस रेखा को समानुपाती रूप से तुम पीछे बढ़ाओगे, बोलो हाँ या ना। तो इस बिंदु पर कहीं बच्चों कौन सा बिंदु होगा, फाई नोट बटा ई, जो कि क्या है, ऋणात्मक, बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स बच्चों यहां से इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, वो होगी फाई नोट बटा ई के, बोलो हाँ या ना। और बच्चों यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी होगी, तो आपको पता है न्यू नोट के, बोलो हाँ या ना, पक्का, होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो, किसके होंगे, न्यू नोट के। और बच्चों ये जो ढाल है थीटा वो किसके बराबर में होगा, एच अपॉन ई के। क्या इस ग्राफ में आपको सब कुछ समझ में आया, ये ग्राफ बच्चों किसके किसके बीच था, जल्दी से बताओ, निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में, ढाल किसके बराबर, एच अपॉन ई के बराबर। बच्चों मूल बिंदु से यहां तक की बीच दूरी कितनी है, न्यू नोट, यहां से लेके यहां तक कितना है, फाइ नोट बटा में ई, बोलो हाँ ना, बोलो बच्चों। यहां पर इस बिंदु पर आवृत्ति पर जो ढाल प्राप्त हुआ वो इस तरह से प्राप्त हुआ, ढाल कितना होगा, एच बटा में ई, बोलो हाँ या ना, पक्का। तो बच्चों यह जो है वह आइंस्टीन ने, है ना, आइंस्टाइन ने जो है वो निरोधी विभव और प्रकाश की आपसी प्रकाश की आवृत्ति के बीच में यह एक ग्राफ भी व्यक्त किया था। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत। तो बच्चों यहां से हम लोग थ्योरी लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि, है ना, तुलना करने पर, है ना, कि प्रकृति है इसलिए तुलना करने पर y का वैल्यू ये प्राप्त हुआ, m का वैल्यू ये प्राप्त हुआ, c का वैल्यू ये प्राप्त हुआ। फिर हम लिखेंगे कि इस स्थिति में वी नोट एवं आवृत्ति न्यू के मध्य ग्राफ, ग्राफ बनाने पर कॉलन हाइफन लगा देंगे, ये ग्राफ बना देंगे, बोलिए हाँ है ना, और इस ग्राफ में सब कुछ दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का नहीं होना चाहिए। चलो आगे बच्चों, बच्चों अब इस आइंस्टाइन के इस समीकरण को गलत साबित करने के लिए मिल्कम साहब हजारों बार जो है ना प्रयोग किए, ठीक है ना, हजारों बार क्या किए, प्रयोग किए। और प्रयोग करने के लिए क्या किया बच्चों, उन्होंने जो है वो सोडियम धातु को लिया और सोडियम धातु के लिए जो है निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में ग्राफ प्राप्त किया, ठीक है। एक सोडियम धातु लिया और उस पर उन्होंने प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, किसी एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश लिया, उसकी आवृत्ति बढ़ाया था, बढ़ाता गया, और बढ़ाने के लिए जो जो निरोधी विभव प्राप्त हो रहा था उस निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ बना करके फिर उसका ढाल प्राप्त कर लिया, ठीक है, ढाल माप लिया, बोलो हाँ या ना। और ढाल माप, ढाल कैसे मापेगा बच्चों, कैसे मापेगा भाई, उसने आवृत्ति बढ़ा बढ़ा के उसने न्यू नोट जो है, मतलब वी नोट जो है वो ज्ञात कर लिया, है या नहीं है। अब इस दोनों को ज्ञात करने के बाद बच्चों उसका जो है ना, उसने ग्राफ बना लिया, कौन से धातु के लिए, सोडियम के लिए। और अगर ऐसा हो चुका है बच्चों तो एम कैसे निकलेगा, तो बच्चों कोई भी दो बिंदु चूज कर लेगा वो, बोलो हाँ या ना, उस दो बिंदुओं के लिए वो वी नोट देख लेगा, बोलो हाँ या ना, उस दो बिंदुओं के लिए वो आवृत्ति ले लेगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां से वो ढाल निकाल सकता है ना बच्चों, और अगर ये सरल रेखा है तो ढाल हर एक बिंदु पर समान होगा ना,
जल्दी से मुझे बोलो बच्चों, यहां से m बराबर ढाल बराबर उसके ग्राफ से जिस प्रकार से उसका ग्राफ प्राप्त होगा उसके ग्राफ के लिए क्या प्राप्त होगा भाई, ढाल बराबर भाई m बराबर या ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, लंब और बटा में आधार। लंब क्या होगा बच्चों, डेल्टा भी नोट के बराबर। बोलो हाँ या ना, डेल्टा भी नोट के बराबर भाई, दो बिंदुओं के बीच का अंतराल, तो डेल्टा भी नोट और बट्टा में डेल्टा न्यू होगा या नहीं होगा बच्चों। तो इस तरह से वो अलग अलग आवृत्ति के लिए अलग अलग निरोधी विभव ज्ञात कर लेगा, ठीक है, अपने प्रयोग में सोडियम धातु लेकर के एक किसी एक तीव्रता का प्रकाश लेकर के आवृत्ति बदल बदल करके उस निरोधी विभव ज्ञात कर लेगा और उन दोनों के बीच में ग्राफ बना लेगा वो, और ग्राफ बनाने के बाद फिर ढाल प्राप्त कर लेगा। बोलो हाँ या ना है। और बच्चों फिर इस ढाल को आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए ढाल के समीकरण से तुलना कर लेगा। उसका ढाल कितना आया था बच्चों, h बटा में e आया था, तो इस समीकरण को वो किसके बराबर में रख लेगा, h बटा e के रूप में। बोलो हाँ या ना। और आप सबको पता है कि मिल्कन साहब ने भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान दिया था, तो वो अपने उस इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान का प्रयोग करते हुए उसका जो ढाल आएगा उसका प्रयोग करते हुए वहां से वो किसका मान निकालेगा, एच का निकालेगा भैया, एम बराबर में वहां से क्या लिख सकता है वो, एच बटा में ई। ये तो वो सोडियम धातु के लिए ढाल निकाल लिया अपना ग्राफ बना करके प्रेक्षण करके, ई उसी खुद ने दिया था, तो वहां से किसका मान निकाल लेगा, एच का। जब वो एच का मान ज्ञात किया बच्चों, तो आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए इस ग्राफ से या इस समीकरण से जो भी प्लांक नियतांक का वैल्यू आया था उसी के बराबर प्राप्त हो गया उसको। और वो कितना प्राप्त हुआ, 6.62 और मल्टीप्लाई बाय 10^-34 जूल सेकेंड, उतना ही प्राप्त हुआ उसको अपने एक्सपेरिमेंट करने पर भी। तब उन्होंने क्या कहा, वो चले थे क्या करने के लिए बच्चों, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को गलत साबित करने के लिए, लेकिन अंत में वो क्या करके आए, कहा कि भाई प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टाइन का बिल्कुल सही है। कितने ईस्वी में, 1916 ईस्वी में उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब चालू किया बच्चों, 1906 ईस्वी में, और 1916 ईस्वी के आते आते उन्होंने क्या कह दिया कि प्रकाश विद्युत समीकरण जो आइंस्टाइन ने दिया है वो बिल्कुल सही है, सत्यापित होती है, ठीक है। यस बच्चों, तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं हम आप अपने नोट्स जो है वह तत्काल के लिए हमारे इस वीडियोज की सहायता से और अपने बुक्स की सहायता से तैयार कर लेंगे, अपना कंटेंट तैयार कर लेंगे, आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बाद में मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप मेरे पास समस्या लेके आएंगे, हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।